सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं फिर से एक बार हमारे अपने होम टाउन रेलवे स्टेशन धामनगांव पर, जहाँ से हम एक छोटी सी जर्नी करने वाले हैं, जो कि होने वाली है लीजेंडरी ट्रेन 12105 डाउन महाराष्ट्र की सबसे फेमस पॉपुलर विदर्भ एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम लोग भंडारा रोड तक अपनी यात्रा करने वाले हैं। हम जर्नी करने वाले विदर्भ एक्सप्रेस, जो कि प्रतिदिन CSTM यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से चलती है शाम में 7:05 पर, और अगले दिन सुबह 11:15 पर आपको डेस्टिनेशन प्लेस यानी गोंदिया पर पहुंचा देती है, जिसमें आज हम छोटी सी जर्नी करने वाले हैं धामनगांव से भंडारा तक। धामनगांव से नागपुर एक्चुअली हम दो बार कवर कर चुके हैं, इसलिए अभी यहाँ से जर्नी को केवल स्टार्ट करते हैं, बाद में सीधा मिलेंगे आपसे अजनी स्टेशन से, आज इसकी शुरुआत की जाएगी। और अगर आपने अभी तक वो ब्लॉग नहीं देखे तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। अभी बस कुछ ही समय में ट्रेन यहाँ पर आ जाएगी और हम लोग चल पड़ेंगे एक और नए सफ़र पर। और हमारी लीजेंडरी ट्रेन विदर्भ एक्सप्रेस का धामनगांव में अराइवल हो चुका है, जो हमारा आज हॉल्ट करने वाला जो लोको है वो है WAP7। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं अजनी स्टेशन, इसका स्टेशन कोड है AJNI और लगभग मुंबई से लगभग 830 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं अभी अजनी स्टेशन इस ट्रेन का। तो मात्र 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं अजनी स्टेशन से। ट्रेन थोड़ा लेट चल रहा है इसलिए इसको ज़्यादा देर दिया नहीं है, तुरंत ही बिल्कुल 1 मिनट में निकल चुके हैं। भाई लगभग 833 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में हमारी विदर्भ एक्सप्रेस अब आ चुकी है नागपुर जंक्शन पे। नागपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है NGP और यह है सेंट्रल रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन। इस स्टेशन को इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1991 में। इस ट्रेन का यहाँ पर निर्धारित आगमन समय था 8:55 और ये लीजेंडरी विदर्भ एक्सप्रेस यहाँ पर पहुँच चुकी है अपने ऑन टाइम। जी हाँ, अपने ऑन टाइम। और अभी हम लोग है हार्ट ऑफ द इंडिया और ऑरेंज सिटी में आप लोगों का स्वागत है, भारत के मध्य में आपका स्वागत है, मध्य रेल के नागपुर स्टेशन पर भी आपका स्वागत है। इसका स्टेशन कोड है NGP। 5 मिनट का हॉल्ट है और 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम लोग सीधा चल पड़ेंगे कामटी होकर भंडारा रोड स्टेशन पे, जहाँ तक हमें जर्नी करनी है। और इसी बीच हम लोग देखेंगे अभी द वेरी फेमस डायमंड क्रॉसिंग। और भाई, स्टेशन से हमने एक पार्सल ऑर्डर किया था ई कैटरिंग से,
और वो पार्सल अभी आ चुका है और उसमें क्या ब्रेकफास्ट है हम आपको बताएंगे अभी। और जो मेरे साथ आज कोई स्पेशल ट्रैवल करने वाले उनसे भी हम आपको मिलाएंगे, तो देखते रहिए, लेट्स गो ट्रिप। लगभग निर्धारित समय 9:05 पर नागपुर जंक्शन से हो चुका है। और अभी कुछ देर में हम लोग देखेंगे द वर्ल्ड फेमस डायमंड क्रॉसिंग, वन एंड ओनली इन नागपुर डायमंड क्रॉसिंग। पैसेंजर की सुविधाओं के लिए ये व्हीकल प्लेटफॉर्म पे चलने लगा है नागपुर में, सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी सुविधाजनक है। और ये द वर्ल्ड फेमस ऑरेंजेस इन नागपुर, इसीलिए इसको संतरा नगरी भी बोलते हैं। सर जय हिंद, जय हिंद सर। और ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ये जा रही है दिल्ली की ओर, इटारसी भोपाल झांसी आगरा मथुरा होकर दिल्ली जाती है, इसलिए नागपुर को एक जंक्शन कहा जाता है। नागपुर जंक्शन पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से भारत के चारों कोने में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ जाने के लिए ट्रेन अवेलेबल है। और ये लाइन सामने वाली जो लाइन है ये दिल्ली नागपुर दिल्ली चेन्नई दिल्ली मेन लाइन है सॉरी। और हम लोग बढ़ रहे हैं अभी मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर। अभी जस्ट हम पहुंच गए डायमंड क्रॉसिंग के पास। डायमंड क्रॉसिंग, फेमस डायमंड क्रॉसिंग, एकमात्र है नागपुर में, बहुत बढ़िया। और देखिए क्या नाइस कर्व है, बहुत बढ़िया। ये जो लाइन सामने देख रहे हैं आप ये जा रही है इतवारी स्टेशन पर, नागपुर का एक और स्टेशन है इतवारी। और हम लोग इतवारी की तरफ ना बढ़ते हुए सीधा जा रहे हैं कलमना तक और बढ़ेंगे आगे हम लोग। कामटी स्टेशन, लगभग 847 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद हमारी विदर्भ एक्सप्रेस अब आ चुकी है। कामटी रेलवे स्टेशन ये नागपुर डिवीजन का एक स्टेशन है जो कि SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में पड़ता है। और हमारी ट्रेन का निर्धारित आगमन समय था 9:31 और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 3 मिनट बिफोर। जी हाँ, 3 मिनट बिफोर। और ट्रेन अपने बिल्कुल पंक्चुअलिटी के मामले में एकदम पंक्चुअल है और पंक्चुअलिटी इतनी ज़बरदस्त है, इसलिए ये ट्रेन एक लीजेंडरी ट्रेन है भाई। ये हमारे महाराष्ट्र की नंबर वन ट्रेन भी मानी जाती है, विदर्भ एक्सप्रेस। साफ सफाई के मामले में काफ़ी अच्छा स्टेशन है, साफ सफाई आप देख सकते हैं निरंतर हो रही है स्टेशन की। और
देख सकते हैं कितना साफ सुथरा स्टेशन है, डस्टबिन हर जगह पर लगे हुए हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है भाई, डस्टबिन का यूज़ करें, कचरा इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में ही फेंके। देखिए कितना सुंदर ये पेड़ है और इसके ऊपर के ये लाल फूल मन को आकर्षित करते हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त सुंदर। कामठी स्टेशन बहुत खूबसूरत स्टेशन, और ये है विदर्भ एक्सप्रेस 12105 जो कि अभी खड़ी है कामठी में। और एक चीज़ और देखिए भाई, ये पेड़, इस पेड़ को देखिए कितना पुराना लग रहा है ये पेड़, इसकी जड़ें सब करती है, नीम का पेड़ है काफ़ी खूबसूरत। और नीम का जो फंक्शन है वो ठंडा है, ठंडा शीतलता का प्रतीक नीम का पेड़। और वो स्टेशन पे ऐसे पुराने स्टेशन, पुराना पेड़ स्टेशन पे, वो तो बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस खूबसूरत से कामठी रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है निर्धारित समय 9:32। 1 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट था, लेकिन हम लोग 3 मिनट बिफोर पहुँचे थे, कुल मिलाकर 4 मिनट यहाँ पे स्टॉप हुआ है। और देख सकते हैं आप कोच इंडिकेटर भी इस स्टेशन पर लगे हैं, छोटा सा स्टेशन है पर काफ़ी खूबसूरत स्टेशन है कामठी। और इसका स्टेशन कोड है KP। तो नागपुर से जो हमने ई कैटरिंग से जो ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था ये आ चुका है, और अभी हम उसे अब अनपैकिंग करने वाले हैं। जी हाँ, हम उसे अनपैकिंग करने वाले हैं। और इसमें है, देख सकते हैं आप, एक प्लेट, टिश्यू और एक बाउल है। और हमने भाई ऑर्डर किया था दही बड़ा, हांडी वाला दही बड़ा, नागपुर से हांडी वाला दही बड़ा ऑर्डर किया था। और इसकी अनपैकिंग अभी शुरू है, मैं इसे अनपैकिंग कर रहा हूँ। तो भाई ये है हांडी, दिखाई दे रही है हांडी, यस, क्ले पॉट। और इसमें है ये शानदार दही बड़े, जिसे अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। क्या बोलेंगे भाई, महाराष्ट्र की भाषा में एक कच नंबर, मस्त दही बड़ा है। चलिए इसे फिनिश करते हैं, मिलते हैं फिर। और उसके पहले जो सरप्राइज, जब तक मैं बोल रहा था कि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अभी ये इंट्रोड्यूस मैं आपको करवा देता हूँ। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं विथ माय बेटर हाफ, मेरी वाइफ नेहा के साथ, नेहा के साथ। और बिल्कुल, तो कैसा लगा जर्नी में? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं फर्स्ट टाइम मतलब किसी ब्लॉग बनाते समय अपने बेटर हाफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस ब्लॉग को बनाते समय। और जब पहली बार कोई ब्लॉगर अपने वाइफ के साथ ट्रैवल करता है तो उसका क्या अनुभव रहता है ये सबको पता है भाई, बहुत खुशी होती है। और आई थिंक नेहा ऑल्सो फील हैप्पी एंड प्राइड ऑल्सो, यस, वेरी हैप्पी, यस, वेरी हैप्पी। देखिए ज़बरदस्त रिस्पांस। और भाई जब अगर होम मिनिस्टर की तरफ से रिस्पांस ज़बरदस्त मिल गया ना, तो समझना पूरी सरकार मस्त चल रही है। तो भाई दही बड़ा तो हमने फिनिश कर दिया, और ये चीज़ बहुत बढ़िया लगी भाई हमें। देखिए कुल्लड़ में चाय तो बहुत जगह पर देखी है, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में दही बड़े पहली बार ही देखने को मिले, और वो भी नागपुर में।
इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये मुझे पड़ा है एक्चुअली 145 रुपये में, 145 यू। एक्चुअली इसका प्राइस जो है वो 109 रुपीज़ दिखता है जब हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस टैक्सेस वगैरह समथिंग मिलाकर वो पड़ा है 145 रुपये। लेकिन फिर भी वो वर्थ है भाई, 145 रुपये भी वर्थ है। देख सकते हैं आप फ्लोर साफ सफाई के मामले में भाई, विदर्भ एक्सप्रेस नंबर वन, बहुत बढ़िया। इसका जो विंडो है उसकी क्लियरिटी देखिए कितना जबरदस्त, और भाई रनिंग हमारे विदर्भ एक्सप्रेस की लगातार 120-125 की स्पीड में चल रही है भाई। ऑलवेज यूज डस्टबिन, वॉश बेसिन देख सकते हैं आप, बहुत साफ सुथरा है, मिरर भी बहुत साफ, गाड़ी की साफ सफाई के मामले में ट्रेन बहुत अच्छी है भाई। हाउस कीपिंग स्टाफ को हमने देखा है दिन भर वो साफ सफाई कर रहे थे जब से हम लोग ट्रेन में सुबह से आए हैं से लेके अभी तक कंटिन्यूस। चलिए भंडारा आया हुआ है, भंडारा पहुँच रहे हैं हम, और क्या जबरदस्त ट्रेन दिख रही है देखिए भाई, ये थ्री टायर एसी का ये B2 कोच, जबरदस्त लुक, सो नाइस। तो भाई फाइनली हम लोग आ गए भंडारा रोड रेलवे स्टेशन, जो हमारा आज का डेस्टिनेशन स्टेशन है, और विदर्भ एक्सप्रेस हमें यहाँ पर पहुँचाई है बिल्कुल ऑन टाइम। भाई जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। विदर्भ एक्सप्रेस का जर्नी एक्सप्रेस काफ़ी खास, और पंक्चुअलिटी के मामले में तो ये ट्रेन भाई जबरदस्त, वाकई में ये ट्रेन बहुत पंक्चुअल रही है। तो ठीक है, इस जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ मस्त मुस्कुराते रहिए, और हाँ भाई हम हैं राही रेल के, ऐसे ही मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर, थैंक यू।